नमस्कार जोहार, मैं शिवलाल सागर। पिछले अक्टूबर 24 तारीख को एक फिल्म सातभुवनी देखने का मौका मिला। साई गुरु कुल के बैनर तले फिल्म बनी थी। मुझे इनवाइट किया गया था देखने आने के लिए गेस्ट के रूप में, और गेस्ट किया उसके निर्देशक और उसके मुख्य पात्र कहें, कॉन्सेप्ट राइटर कहें, कुलदीप महातो, सुरेंद्र टूडू और ख़ास करके उसके लेखक प्रोड्यूसर सारे लोग अपने करीबी हैं। तो पहले तो उन्हें धन्यवाद कि इतनी अच्छी एक फिल्म देखने का मुझे मौका मिला, क्योंकि अगर मैं नहीं आता, नहीं देखता तो मैं वंचित रह जाता। दूसरी बात, एक धारणा थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं लगातार निर्णायक की भूमिका में आता रहा हूँ। हमारे आइसफा द्वारा जो फिल्म फेयर अवार्ड का कार्यक्रम होता है, उसमें ढेर सारी फिल्में मैंने देखे हैं। तो फिल्मों को देखने के बाद हमेशा से मेरी एक शिकायत रही है कि ठीक है, पहली बात तो ये है कि मुबारक उन सबों को कि वो लोग बना रहे हैं। आज हम आदिवासी भी आगे आ रहे हैं, हम मूलवासी भी आगे आ रहे हैं फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, परंतु दिशाहीन कहीं लगता था। ये मेरी शिकायत है, रहती थी भी, गिने चुने लोग हैं थोड़ा बहुत अच्छा काम कर जाते थे। क्योंकि हम, जैसे मैं रंगकर्मी हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि हम उधार का रंगकर्म कर रहे हैं, अपना रंगकर्म नहीं है जो होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह उन फिल्मों में भी बहुत कम, कुछ एक दो फिल्में आई थी, ऐसा नहीं कहूँगा कि, लेकिन वो मेकिंग स्टाइल फिर फिल्म जैसी नहीं हो पाई, वो यात्रा जैसे कर दिया गया। और जो अभी मेकिंग में थोड़ा ठीक ठाक करने लगे लोग, तो कथा वस्तु वो लोग वही शहरी, वो उड़िया बांग्ला फिल्मों को फॉलो करके, अनुसरण करके करने लगे। लेकिन ये फिल्म क्या कहना, सातभौनी जब देखा तो मुझे लगा कि पहली बार कोई फिल्म मैंने देखी। माने सातभौनी हमारे जीवन के साथ उसका जुड़ाव है, बचपन से सातभौनी की कथाएं कहानी हम लोग सुनते आए हैं, और उन सातभौनियों को प्रस्तुत करना फिल्मों में, वो किस तरह से लोगों को सम्मोहित करके, किडनैप करके ले जाती हैं, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड म्यूजिक में भी हमारा डंडन डंडन, वो उससे प्रभावित नहीं था। हाँ, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी वो हॉरर और ये सब को दिखाने के लिए वहाँ किया गया है, लेकिन फिर भी कोशिश रही है कि इंस्ट्रूमेंट वो झारखंडी हो, जो एक मज़ेदार बात, उसके स्वाभाविकता है गीतों में, मैंने कोई भड़कीला ये नहीं था। और चरित्र सब भी बिल्कुल स्वाभाविक काम किया, और सबसे अच्छी बात थी कि बहुत उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार ज़्यादा नहीं थे, और जो थे भी तो उसी ढंग से बिल्कुल अंडर एक्टिंग, माने जो होना चाहिए। तो एक अपने मिजाज की फिल्म एक देखने को मिली। उसमें एक विशेषता थी भाषा, जो पहले तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या संथाली मूवी देख रहा हूँ, उसमें राड़ बांग्ला कहाँ से आ गया। इन ओकारे मिनिया हमदेर महले हमें बड़ो राजकुमारी गौरी की इटा राजमहल। फिर धीरे 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 वो ऐसा लगने लगा कि अरे वही गांव में हूँ। कहा कि हमारा जो जिस क्षेत्र में, जिस जिले में हम बसते हैं, यहाँ ये दोनों भाषा को एक साथ बोली जाती है, दोनों भाषा के लोग हम एक साथ रहते हैं। तो उसको इतने सुंदर तरीके से चित्रित किया गया कि खैर, ज़्यादा कहना, उतना तारीफ करना भी नहीं चाहिए, कमी रहेगी। हम उस, ये मैं कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि आज देश में, दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही, पर हम जिस ढंग की फिल्में बनाते हैं और जिस मानसिकता का विकास लोगों में होना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि साई गुरुकुल
इस तरह की फिल्में अगर बनाने लगेगी तो झारखंड को एक परिचय, अपना अपनी फिल्म का एक परिचय ये ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। धन्यवाद। थैंक यू। जवाब।